हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन आवर मैथमेटिक्स यूट्यूब वीडियो लेक्चर। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 12 मैथमेटिक्स। द टॉपिक इज माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। आज हम क्लास 12 के एक्सरसाइज नंबर 4.3 माइनर्स 4.4 माइनर्स और कोफैक्टर पे जो बेस्ड एक्सरसाइज है वो सॉल्व करने वाले हैं। और उसमें दो टॉपिक हमें पढ़ने हैं, एक पढ़ना है माइनर और एक पढ़ना है कोफैक्टर। पहले समझते हैं कि माइनर्स और कोफैक्टर्स होते क्या है किसी डिटरमिनेंट के। अगर हम कहें कि माइनर क्या होता है, पहले माइनर समझते हैं फिर कोफैक्टर समझते हैं। जैसे मान लो बेटा, मैंने आपको एक मैट्रिक्स एक डिटरमिनेंट दिया, कोई एक डिटरमिनेंट दिया 2 3 4 5 और मैंने आपसे कहा कि हर एलिमेंट का माइनर आप निकालिए। तो आपको याद होगा आपके पिछले वीडियोस में कि जैसे पहले एलिमेंट को A11 से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले रो में दूसरे एलिमेंट को A12 से, इसका मतलब है पहले रो का पहला एलिमेंट। तो जैसे जब 2 का माइनर निकालो आपका बेटा, तो 2 वाले जो रो है और 2 वाला जो कॉलम है वो छोड़ दिया जाएगा। तो जब 2 वाला रो और 2 वाला कॉलम छोड़ दिया गया, यानी 4 3 छूटेगा, केवल कौन बचेगा 5। तो माइनर ऑफ 2 कितना हो जाएगा आपका, वही यहां पर आपको लिख देना है, यानी कि माइनर ऑफ A11, यानी पहले एलिमेंट का, पहले रो के पहले एलिमेंट का माइनर, यानी कि माइनर ऑफ 2। भाई पहले रो का पहला एलिमेंट 2 है, तो 2 का माइनर कौन होगा 5। आई बात, अब निकालते हैं माइनर ऑफ A12, यानी कि माइनर ऑफ 3। तो 3 का माइनर आप ध्यान से देखिए, 3 वाली रो छोड़ देंगे, 3 वाला कॉलम छोड़ देंगे, ये छूट जाएगा, केवल कौन बचेगा 4। तो 3 का माइनर हो जाएगा 4। ऐसे ही निकालेंगे माइनर ऑफ A21, आई रिपीट A21, यानी दो दूसरे रो का पहला एलिमेंट, यानी कि माइनर ऑफ 4, और 4 का माइनर हो जाएगा 3, और लास्ट है माइनर ऑफ माइनर ऑफ 5, और 5 का माइनर हो जाएगा 5 वाले रो को हम छोड़ेंगे तो 2 बचेगा। यानी देखिए आपको ये 5 वाले रो और 5 वाले कॉलम बंद कर देना है और जो बचेगा वो लिख दीजिए। ये तरीका होता है माइनर निकालने का। माइनर की डेफिनेशन यहां पे राइट की हुई है। अगर आप माइनर डेफिनेशन देख लीजिए कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का aij कोई एलिमेंट है, और किसी डिटरमिनेंट का माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij आपका डिटरमिनेंट, किसी भी डिटरमिनेंट के aij एलिमेंट का जो माइनर होगा इस डिटरमिनेंट वो भी एक डिटरमिनेंट होगा। आप देखना वो कैसे मिलेगा जो माइनर है, बाय डिलीटिंग, वो डिलीट करने से मिलेगा इट्स ith रो, यानी पहले एलिमेंट जो आप एलिमेंट ले रहे हैं उसका ये ith रो और jth कॉलम। यानी कि जैसे आपको अगर A12 निकालना है, पहले रो डिलीट कर दीजिए और दूसरा कॉलम, पहले रो का मतलब ये हुआ और दूसरा कॉलम का मतलब ये हुआ, यानी ये और ये आप डिलीट कर दीजिए, तो आपको A12 का माइनर कितना मिल जाएगा 4। यही इसका कहने का मतलब था, वो मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा दिया है। A11 का डिटरमिनेंट का माइनर आप नहीं निकाल सकते क्योंकि उसमें तो एक ही रो एक ही कॉलम होते हैं, तो बाकी तो कुछ बचेगा ही नहीं अगर आप एक एलिमेंट छोड़ देंगे। जैसे 115 का माइनर निकालने के लिए कहा जाएगा, यू कांट फाइंड, नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि इसमें यही रो है यही कॉलम है, किसको छोड़ के नहीं, तो 11 क्रॉस का डिटरमिनेंट का माइनर एलिमेंट का नहीं निकाला जा सकता है। 2 क्रॉस 2 का कैसे निकाला जाएगा मैंने आपको बता दिया। अब 3 क्रॉस 3 का देखते हैं, 3 क्रॉस 3 का यानी ऑर्डर 3 का माइनर कैसे निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि आपको डिटरमिनेंट मैंने दिया हुआ है यहाँ पर 1 2 5 7 -8 -8 9 2 -3 -9, ये मैंने आपको एक डिटरमिनेंट की मैट्रिक्स नहीं है, ये एक डिटरमिनेंट मैंने आपको दिया है और इस डिटरमिनेंट के हर एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है। आई रिपीट, डिटरमिनेंट के हर एलिमेंट का, तो अगर हम 1 लेते हैं यानी 1 का माइनर निकालते हैं, तो माइनर ऑफ A11 यानी पहले रो का पहले एलिमेंट का माइनर, यानी कि माइनर ऑफ
वन वन ही तो है, तो वन वाली रो बंद कर देंगे, यानी ये बंद कर देंगे और वन वाला कॉलम यानी कि ये पूरा छूट जाएगा। अब अगर पूरा छोड़ भी दे रहे हैं, ये डिलीट हो गया पूरा और ये डिलीट हो गया पूरा, अगर ऐसा कर भी दें हमारे पास चार बचते हैं और वो भी एक इंटरमीडिएट होगा। देखो कहा था वो भी ये जो बच रहा है वही लिख दो आप, यानी ये हो जाएगा हमारा माइनस एट नाइन और माइनस थ्री माइनस फाइव। अब इसको सॉल्व करना आप जानते हैं, इंटरमीडिएट की वैल्यू निकालना आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो एट फाइव या फोर्टी और माइनस नाइन इंटू माइनस थ्री कर देंगे अगर, तो 40 और माइनस माइनस प्लस 23 तो 67 कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए डिलीट हो गया रिजल्ट क्या लिखे थे, चलिए कोई बात नहीं कुछ लिख लेते हैं, 1 2 3 4 यहाँ पे 5 ठीक। अब माइनर आप निकालेंगे माइनर ऑफ ए वन टू, यानी पहले रो के दूसरे एलिमेंट का, यानी कि माइनर ऑफ किसका 2, तो 2 वाली रो और कॉलम डिलीट कर देंगे, 2 वाली कॉलम यानी कि ये और 2 वाली रो यानी कि ये, कितना बचा बेटा 4 9 5 5 फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई 4 5 20 9 5 45 और ये हो जाएगा 65, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हर एलिमेंट का माइनर आप निकाल सकते हैं, जब इस 5 का निकालना होगा तो ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, दो यहाँ बचेंगे और दो यहाँ वाले दो एलिमेंट बचेंगे, यही डिटर्मिनेंट का क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देने पर जो नंबर आएगी वही हमारे डिटर्मिनेंट का माइनर होगा। यानी कि माइनर कैसे निकाला जाता है 2 क्रॉस 2 का, बता दिया 2 क्रॉस 2 में तो जैसे 2 का निकालना है तो 2 वाली रो और 2 वाला कॉलम छोड़ के 3 छोटा बचेगा वही राइट कर देंगे, और 3 क्रॉस 3 में जब एक रो और कॉलम डिलीट करेंगे तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बचेगा, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर जो आपको नंबर मिलेगी उल्टा करके वही आपका माइनस। तो माइनस समझ में आया कि क्या होता है और कैसे निकालते हैं। कोफैक्टर भी माइनर से ही निकाला जाता है, बस में प्लस माइनस करते चले जाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको ये देखिए ध्यान से, मैं आपको बता रहा था कि कोफैक्टर भी वैसे ही निकालते हैं, बस कोफैक्टर में प्लस माइनस करते चले जाते हैं माइनर पे, तो माइनर से ही कोफैक्टर निकाला जाता है। देखिए कोफैक्टर की डेफिनेशन मैंने लिखी है कि कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट aij डिनोटेड बाय aij, एलिमेंट का जो को फैक्टर होगा वो aij द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा और aij की वैल्यू -1 पावर i + j या ij से निकाली जाएगी, जहां aij जो होगा वो माइनस। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं कि डिटरमिनेंट मैंने आपको दिया है 1 -2 3 और 4 ठीक है, इसके हर एलिमेंट का माइनर और हर एलिमेंट का को फैक्टर आपको निकालना है। तो माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट m11 आप लिख दीजिए, मतलब माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट वन पहली रो का पहला है, तो 1 1 का जो माइनर है आप इसको डिलीट कर देंगे, 1 3 -2 छूट जाएगा तो 4 आ जाएगा, 1 3 -2 और यहाँ ये बात। अब ऐसे ही हम निकाल सकते हैं m12, तो ये 2 लेंगे तो छूटेगा, ये छूटेगा और वो छूटेगा, यानी बचेगा 3 और माइनर ऑफ a21 के लिए 3 लेंगे तो 3 वाला छोड़ करके और 2 वाला छोड़ देंगे और ये -2 यानी कि आ जाएगा -2 और m22 4 हो जाएगा, सॉरी 4 छोड़ का कितना हो जाएगा 1। अब ये तो माइनर आ गया, अब इसका को फैक्टर निकालते हैं, यहां से देखिएगा यहां लिखते हैं को फैक्टर ऑफ a11 यानी पहले रो के पहले एलिमेंट का को फैक्टर, को फैक्टर निकालने का फार्मूला है -1 पावर i + j यानी 1 + 1, देखिए 1 + 1 यही है आयो के वैल्यू और माइनर ऑफ, तो माइनर कितना था 4, तो -1 का स्क्वायर करेंगे +1 यानी कि 4 आ जाएगा। और जब आप सेकंड का निकालेंगे को फैक्टर ऑफ a12 यहां हो जाएगा -1 पावर 1 + i + j 1 पावर 2 और दूसरे वाले का माइनस को फैक्टर कितना था 3, अब -1 पावर 3 अगर करेंगे तो माइनस आ जाएगा और -3। ऐसे ही आप एक प्लस एक माइनस, क्योंकि जैसे यहाँ पे पहले एलिमेंट के लिए i + j इवन होगा तो i + j इवन होगा तो -1 पावर इवन
ऑड यानी 1 प्लस 2 ऑड 3 तो माइनस आएगा। यहां पे भी 2 प्लस 1 जैसे को फैक्टर ऑफ a13 तो a13 का को फैक्टर 3 के लिए माइनस माइनस 2 यानी कि 2 आ जाएगा इसका को फैक्टर। तो को फैक्टर कैसे निकालते हैं, माइनस से ही प्लस माइनस करते चले जाते हैं, को फैक्टर आता चला जाता है। और माइनस कैसे निकालते हैं, वो मैंने डेमोंस्ट्रेट कर दिया। 3 क्रॉस 3 के लिए भी यही करते हैं, जैसे मैं 3.23456789-10। अब आपको मान लीजिए 1 का माइनर निकालना है, तो यह 1 का माइनर कितना हो जाएगा आपका मार्क डिटरमिनेंट ऑफ 568-10 और इसका कोफैक्टर भी, कोफैक्टर को कैपिटल लेटर से लिखते हैं, कैपिटल ए से लिख लीजिए, ए आई जी ए 11 इक्वल टू वही रहेगा। लेकिन अगर यम 1 2 का माइनर पूछे तो वो तो हो जाएगा 4, 6, 7, 10 और इसका जो को फैक्टर होगा वो माइनस में आ जाएगा, बस वही रहेगा 4, 6, 7, 10। तो आप चाहे आई प्लस पावर जे करके आई प्लस जे करके निकालिए तब प्लस माइनस बनेगा, और चाहे डायरेक्ट आप प्लस माइनस करके चले जाइए क्वेश्चन में, आपका माइनस से को फैक्टर आता चला जाएगा। माइनर निकालने आ गया बेटा, को फैक्टर निकालने आ गया, कोई डाउट नहीं है। अब हम इस पे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक, आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 4.4 राइट माइनस एंड को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। नीचे दिए गए जो भी डिटरमिनेंट्स हैं उनको आपको माइनस उनके और को फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो आइए निकालते हैं। तो बेटा इसके हर एलिमेंट का माइनर और को फैक्टर निकालना है, तो माइनर का निकालना ध्यान से देखिएगा, m11 तो 2 का माइनर हो जाएगा 3, m12 तो -4 का माइनर हो जाएगा 0 और m21 यानी कि 0 का हो जाएगा -4 और m22 और इसका हो जाएगा आपका 3 का हो जाएगा 2। अब इसका को फैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर है a11 तो कोफैक्टर हो जाएगा -1 पावर 1 प्लस 1 इनटू 3, यही तो आपका आ जाएगा 3। कोफैक्टर ऑफ a12 तो हो जाएगा -1 पावर 1 प्लस 1 इनटू 0 सॉरी 1 प्लस 2 क्योंकि i प्लस j 1 प्लस 2, अब ये हो जाएगा 0 और a12 आ जाएगा -1 पावर 2 प्लस 1 इंटू -4 और ये हो जाएगा +4 क्यों -1 पावर 3 तो -1 और -4 तो +4 हो जाएगा। और a22 आपका a22 -1 पावर 2 प्लस 2 इंटू 2 तो 4 पावर -1 पावर 4 तो +1 और इंटू 2, इस तरह से माइनस आपका निकल गया। क्वेश्चन नंबर 2 का एक देखते हैं, 2 का सेकंड में आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट आप लगा दीजिएगा, सिंपल है इसलिए मैं सेकंड बता रहा हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। 1 3 0 1 3 0 0 5 1 एंड 4 -1 2 इसका हमें हर एलिमेंट का माइनर को फैक्टर निकालना है। M11 कितना हो जाएगा बेटा, ये 104 और ये 30 डिलीट कर देंगे, कितना बचा है 5 -1 1 2 1 0 1 4 0 था 1 0 4 और 1 3 यही था 1 3 0। मल्टीप्लाई कर देते हैं यहां से, तो 5 हो गया 10 -1 इंटू -1 प्लस 1 हो जाएगा 11। हर 9 एलिमेंट का निकालना है, a12 ऐसे लेंगे तो ये छूट जाएगी 0 और ये छूटेगी 3 2। अभी माइनस निकाल रहे हैं, 3 -1 0 2 हो जाएगा 3 2 6 और 1 0 0 0 छोड़ देंगे, फिर वो 4 लेंगे तो छूटेगा m13 = 3501 3 बन जाती है और 5 बन जाती है। ऐसे ही आप अभी माइनस निकालना चाह रहा है, a21 के लिए ये छूटेगा, ये
0412 जाएगा 2 0 0 4 1 4 ये सब तो माइनर आ जाएंगे। अब को फैक्टर अगर निकाल रहा हूँ a11 का, तो a11 का को फैक्टर है 11 प्लस में को फैक्टर ऑफ a12 तो -6 हो जाएगा, प्लस माइनस ऐसे करके चले जाएंगे तब तो उल्टा चला जाएगा, या तो -1 पावर i+6 करके भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। Now we have question number 3। आपके मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट दिया गया, इसको इवैल्यूएट करना है सेकंड रो को लेते हुए, सेकंड रो के लॉन्ग एक्सपेंशन करना है, यानी सेकंड रो के कोफैक्टर को निकालते हो, कोफैक्टर का मतलब एक्सपेंशन वही, जैसे यहां पर सेकंड रो यानी 201 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन होगा सेकंड रो, तो निकाल लेते हैं a21 दूसरी रो का पहला, तो a21 2 + 1 माइनस में जाएगा, यानी -1 पावर 2 + 1, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 5 3 8 2 3 3 8 2 3, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस आपका, और ये बात समझ में -1 पावर 3 तो माइनस, और यहाँ पे अंदर हो जाएगा 3 3 9 और 8 2 16 यानी कि 7, क्योंकि 9 - 16 -7 और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a22 तो हो जाएगा -1 पावर 2 + 2, और डिटरमिनेंट कौन सा आपको मिलेगा, ये छूटेगा बेटा उस समय 5 8 1 3 5 8 1 3, तो -1 पावर 4 प्लस में आ जाएगा, छोड़ दीजिए 5 3 15 और 8 1 8 7 a23 -1 पावर 2 + 3 आ रही है समझ में, और 2 + 3 ये छोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा ये 5 3 1 2 -5 2 10 और 3 1 3 यानी कि 7 माइनस, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, इवैल्यूएट करना है इसको, तो इवैल्यूएट करने के लिए आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, जैसे आप एक्सपेंशन कर देते थे 2 लेते थे 2 से रिलेटेड रो का हम छोड़ देते थे, तो 2 लेंगे तो 3 8 2 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई वही सब आ जाएगी, यानी कि 7 आ जाएगा, तो आपको केवल उसको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आंसर पे ही आएगा 2 × 7 + 0 × 7, यहां पे मैंने माइनस नहीं किया यार, चलिए आपको मैंने बताया था यही आना चाहिए, थोड़ी कैलकुलेशन है इसलिए देख रहे हैं, मिस्टेक हो सकती है। 4.4 का जो आंसर है कौन सा है बेटा, 3 का और 7 आंसर आया है, ठीक है। तो फोर्थ में आपको थर्ड कॉलम को लेना है, थर्ड कॉलम का मतलब जो यहाँ पे कॉलम है, थर्ड कॉलम मतलब यहाँ पे है, इसको लेंगे फिर इसको लेंगे फिर इसको लेंगे, इसके लिए ये 4 को ले जाएंगे, इसके लिए ये दोनों और इसके लिए ये दोनों और ये दोनों। आई बात क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक दिया गया है डिटरमिनेंट, ये आपका एक डिटरमिनेंट है, और डिटरमिनेंट है a11 a12 a13 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये आपको दिया गया है। तो ये आपको दिया गया है डिटरमिनेंट, ठीक है। अब इस डिटरमिनेंट को आपको इवैल्यूएट करना है ना, और डिटरमिनेंट के लिए कहा जा रहा है कि aij इज द कोफैक्टर ऑफ aij, यानी ये aij जो है aij ये कोफैक्टर है किसके लिए, aij के लिए, यानी आप इवैल्यूएट करते समय अगर
वन वन का कोई फैक्टर निकालें तो आपको ए वन वन मिलेगा, तो बस मल्टीप्लाई जो करना है जैसे वहां दिया था, क्या दिया है कि पूरी करके दिया है कि ए वन वन के लिए जो आपकी वैल्यू आएगी वो कैपिटल ए वन वन आएगी, यानी इसका पूरी वैल्यू हो जाएगी ए वन वन इंटू ए वन वन प्लस ए वन टू या ए टू वन, तो ए टू वन और ए मतलब जो भी करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट किया जाएगा इसमें कौन सा ऐसा है जिसमें करिस्पॉन्डिंग है ए वन वन ए थ्री वन गलत हो गया, ए वन वन यहाँ ठीक है, ए वन टू ए टू वन यहाँ गलत हो गया, ए टू वन ए वन वन तीसरा भी चौथा वाला सही है, ए वन वन ई वन वन प्लस ए टू वन और ए थ्री वन टू टू ए। कहने का मतलब है मेरे बेटा ना कि ये पूरी वैल्यू है, बस आपको जब आप ये देते तो आपको ये मिलता ए टू टू माइनस ए, तो ये माइनस का कितना दिया गया है बस इसी के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना था, और इस तरह से आपका एक्सरसाइज नंबर 4.4 कंप्लीट हो गया है। अब हमें एडजॉइंट और इनवर्स निकालना है इसी मैट्रिक्स का, ठीक है, इसी माइनर और को फैक्टर का ही यूज करके हम एडजॉइंट और इनवर्स निकालते हैं, वो अपने हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इस पूरे एक्सरसाइज में कहीं किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो कॉन्टेक्ट कर सकता है, ठीक, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।